सम, ये सेंटेंस में सम दिया ना, और मैंने तुमको नीट के पेपर के हिसाब से बताया था कि नीट में वो लोग क्या करते हैं, सम के बदले मोस्ट कर देते हैं, राइट, या तो मेजोरिटी कर देंगे, तो सेंटेंस बदल जाते हैं ना। इसलिए ना अभी तुम लोग ना ये सेट में सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स कैच करना। ऑलराइट, आज के टाइटल में हम लोग ने टाइटल रखा है योयो टेरिडो। टेरिडो बोले तो टेरिडो, टेरिडो फाइटर, करेक्ट। नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट प्लांट्स के अब तक हमने कौन से कैटेगरीज देखे हैं। नंबर वन वॉज थैलोफाइटा, फॉलोड बाय ट्रायोफाइटा, नाउ टेरिडोफाइटा। इन सब में से सबसे लेस डेवलप्ड प्लांट्स कौन है? थैलोफाइटा। उसके बाद थोड़ा वेल डेवलप, और उससे थोड़ा ज्यादा डेवलप। ओके, अब जाहिर सी बात है टेरिडोफाइटा से भी ज्यादा डेवलप्ड होता है जिम्नोस्पर्म्स, और जिम्नोस्पर्म्स से ज्यादा विकसित और डेवलप्ड होते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंड इन एंजियोस्पर्म्स आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ कॉटिलीडन वी कैन हैव टू टाइप्स एज मोनोकॉट एंड डाइकॉट। सो राइट नाउ वी आर ऑन टेरिडोफाइटा सेक्शन। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल कवर अप टेरिडोफाइटा एंड वी विल गो टू एंजियोस्पर्म्स। टेरिडोफाइटा में थोड़े एग्जांपल्स हैं और ये सब पॉइंट्स थोड़े से टफ है, और एंजियोस्पर्म्स कंपैरेटिवली इजी है, तो ये दोनों अभी कवर कर लेंगे। और बाकी बचा जिम्नोस्पर्म्स और टेक्सटबुक का लास्ट का जो पैराग्राफ है ना, वो हम लोग कमिंग लेक्चर में वाइंड अप कर लेंगे। सो कमिंग लेक्चर तक चैप्टर का हो जाएगा स्वाहा। ओके, नाउ टू बिगिन विद टेरिडोफाइटा एनसीईआरटी टेक्सटबुक, इफ वी गो लाइन टू लाइन, बिकॉज नीट में कैसा है, जैसा कि हमने इस बार नीट 2021 का पेपर देखा, तो वो लोग अल्टीमेटली एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पूछते हैं। ओके, सो कंसीडरिंग दैट पेपर, ओके, व्हाट वी विल डू इज वी आर गोइंग टू मॉडिफाई अवर टीचिंग स्लाइटली, वेयर इन हर लेक्चर में टेकअप्स बीच बीच में, और टेकअप्स के साथ साथ कैसा है ना, लेक्चर में भी हर चीज लाइन टू लाइन कैच करें। So, एक रिक्वेस्ट सभी बच्चों से है कि जो जो बच्चे नीट देने वाले ना, एनसीईआरटी टेक्सटबुक का एटलीस्ट फर्स्ट वाला वॉल्यूम खरीद ही लो। ओके, क्योंकि मैं जो पार्ट सिखाऊंगा ना, तुम घर पे जाके उसका पैराग्राफ पढ़ के उसको हाईलाइट करके मार्क करो। ओके, नाउ टू बिगिन विद फर्स्ट पॉइंट सेज टेरिडोफाइटा में दो एग्जाम्पल्स है, दो प्लांट्स है जो एनसीईआरटी टेक्सटबुक मेंशन करते हैं। द फर्स्ट प्लांट इज कॉल्ड एज हॉर्स टेल and the second plant is called as a fern. Now, my dear students, see, ये सारे जो पेड़ पौधे हैं ना, इसका नाम तुमको थोड़ा ऐसा अजीब लगेगा, because ये पेड़ पौधे हैं ना, हम लोग इतने ज़्यादा conversant नहीं हैं इसके साथ। Now, against this, if I am talking about तुलसी और मैंगो और नीम और अशोका, तो ये सब के सब क्या होते हैं? ये एंजियोस्पर्म्स होते हैं, और ये प्लांट्स को हम लोग ने डे टू डे लाइफ में देखा होता है। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि टेरिडोफाइटा में दो एग्जांपल है, दैट इज हॉर्सटेल एंड फर्न। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा अक्सर है ना दवाई बनाने के काम आता है, और अक्सर क्या करता है ना, मिट्टी को पकड़ के रखता है। क्योंकि वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, इसलिए सॉइल इरोशन नहीं होता है, सॉइल इरोशन रुक जाता है। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा इज फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज डैश, सो इट इज फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। Now when we talk about ornaments, ornaments यानी ज्वेलरी। ओके, अब ज्वेलरी जिस तरह से शरीर को थोड़ा डेकोरेट करने के लिए या फैंसी दिखाने के लिए काम आता है ना, वैसे कुछ कुछ प्लांट्स आपने देखा होगा बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में, बाहर प्लांट्स रखे होते हैं, उनके लीफ अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग पैटर्न के होते हैं। सो मेजोरिटी प्लांट्स जो ऑर्नामेंटल सजावट के काम आते हैं ना, वो सबके सब टेरिडोफाइट्स होते हैं। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या? टेरेस पे ग्रो हो रहा है? नो, लैंड पर, लैंड लिविंग। इसके पहले हमने ब्रायोफाइटा पढ़े थे। ब्रायोफाइटा वाज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। व्हाई एम्फीबियन? बोथ वाटर एंड, करेक्ट, लैंड पे भी अगर रह रहे तो फिर भी उसको पानी चाहिए। और उसके अगेंस्ट हमने जो एल्गे पढ़ा थैलोफाइटा, वो तो प्योरली एक्वाटिक था। सो यहाँ पे ये बहुत ही स्ट्राइकिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला लैंड पे सक्सेसफुली रहने वाला प्लांट कौन सा है? टेरिडोफाइटा।
नेक्स्ट एक और एमसीक्यू है. दीज आर द फर्स्ट वैस्क्यूलर क्रिप्टोग्राम्स. अच्छा सब बच्चों से कहा जा रहा है ये देखो क्या मैंने ग्राम्स लिखा है? नहीं ग्राम्स ग्राम्स ये मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था तुमको. यस कभी भी उसको क्रिप्टोग्राम्स मत बोलना क्रिप्टोग्राम्स. अब क्रिप्टोग्राम्स में थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा तीनों भी आते हैं और क्रिप्टोग्राम्स प्लांट की ऐसी कैटेगरी है ना जिनमें यूजुअली सारे के सारे लेस डेवलप प्लांट्स आते हैं. बट इन तीनों में से सबसे पहले अगर किसी के पास जाइलम और फ्लोएम आया है तो वो कौन है? टेरिडोफाइटा. जैसे बच्चों देखो ना हम लोग कोई भी जनरल अगर कोई गैजेट की बात करें जैसे मोबाइल फोन की बात करें तो पुराने जमाने का मोबाइल फोन एकदम सिंपल हुआ करता था. फिर प्रोबेबली कुछ फोन से है ना कलर आना लगा फिर कुछ फोन से कैमरा आने लगा कुछ फोन से अच्छे एप्स आने लगे. उसी तरह से पहले गॉड ने प्लांट्स बनाए उसको पानी में डाला फिर ब्रायोफाइट से ना उसको एम्फीबियन बना दिया. टेरिडोफाइट से उसको जमीन में तो लाया ही लाया बट उसके अंदर साइलम और फ्लोएम दिया. सो जैसे हमारे मोबाइल फोन का एवोल्यूशन होते गया ना या इन जनरल किसी का भी एवोल्यूशन होता है सो हर नेक्स्ट प्रोडक्ट प्रीवियस प्रोडक्ट से बेटर फीचर्स रहता है. सिमिलरली प्लांट में टेरिडोफाइटा में क्या हुआ ना कि गॉड ने इनको सबसे पहले साइलम और फ्लोएम दे दिया. नाउ साइलम विल ऑलवेज कंडक्ट वाटर एंड फ्लोएम विल ऑलवेज कंडक्ट फूड. हम लोग नहीं बोलते मजाक में फर्स्ट है फ्लोएम फर्स्ट है फूड. ज से साइलम ज से वाटर जल 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 ना तो मैच होना चाहिए. ओके सर तो जो प्लांट्स एम्फीबियस होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है? नहीं उनमें नहीं होता है. द रीजन इज उनका कैसा है ना प्लांट बॉडी बहुत छोटा छोटा होता है. okay. so, इतने बड़े बड़े पार्ट्स पे उनको मटेरियल कंडक्ट नहीं करना होता है. हाँ. तो आपको एल्गे में और ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम नहीं मिलेगा. जाइलम और फ्लोएम इन कैटेगरी से शुरू हुआ है. ओके नेक्स्ट अक्सर ये आपको कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में मिलेगा. समटाइम्स इट इज सीन इन सैंडी सॉइल ऑल्सो. अब यू नो सी एज सच दिस इज अ वेरी सिली पॉइंट. ओके वी कुड हैव रीड इट डायरेक्टली बट सी व्हाई आई हैव रिटन इट ऑन बोर्ड नॉट टू मिस इवन अ सिंगल वर्ड बिकॉज कैसा है अमल में सम ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन सैंडी सॉइल. एक ब्राइट स्टूडेंट को ना अगर नीट में उसकी बैंड बजानी है ना तो ऐसे जनरल सेंटेंसेस उसकी बैंड बजाते हैं. ब्राइट स्टूडेंट कैसा है ना वो सारे ना स्ट्राइकिंग पॉइंट्स पढ़ता है ब्राउन बॉक्स बायहार्ट कर लेगा बड़े से बड़े एग्जांपल्स बायहार्ट कर लेगा. बट एक जनरल सेंटेंस आता है ना जिसको ओवरलुक करता है थिंकिंग दैट कि दैट्स अ सिली पॉइंट उधर उसका नीट में मार्क्स आता है. अगर मान लो जिस तरह से हमने ये बार का नीट का क्वेश्चन पेपर और पैटर्न देखा कि उसमें ना तीन चार सेंटेंसेस देते हैं और क्या बोलते हैं कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है पहचानो. ठीक है एक ऐसा जनरल सेंटेंस दे देगा लेट से कि सम ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन सैंडी सॉइल. अब ये सेंटेंस जिसने ओवरलुक किया है उसको क्लियर ही नहीं देगा कि टेक्स्ट बुक में दिया है कि नहीं. हाँ. या तो मान लो सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन सैंडी सॉइल या सम ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन क्लेई सॉइल. सॉइल बदल देगा ना. यस करेक्ट. आई एम टेलिंग यू वन सेकंड बेटा एनसीईआरटी की तरफ बाज की नजर से देखो. छोटा मूवमेंट छोटी सी हलचल तुमको नोटिस में आनी चाहिए. सेकंड एनसीईआरटी का रूल नहीं आता है तो भी पढ़ने का आता है तो भी पढ़ने का. अगर नहीं आता है तो कैसा था नीट का एक सिंपल रूल है कि सोचो मत ज्यादा करते जाओ सिर्फ एनसीईआरटी करते जाओ. दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ नीट. सोचोगे ना ज्यादा तो सोचने में ना तुम्हारा टाइम चले जाएगा. इट विल टेक अवे योर एनर्जी. सिर्फ करते जाओ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड करते जाओ दैट्स इट. अब जब नहीं आता ना बैठ के सोचोगे ना डीमोटिवेटेड डिप्रेस्ड फील करोगे. दैट विल टेक योर टाइम एंड एनर्जी. और अगर आता है ना ओके इस बारे में सोचोगे ना तो क्या घमंड हो जाएगा हमको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और फिर हम नहीं पढ़ेंगे. सो इन आइदर ऑफ द सिचुएशन हमको सोचना ही नहीं हमको ये दो साल सिर्फ करते जाना है करते जाना है करते जाना है. हमको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक करना है करना है करना है दैट्स इट. सो डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग. जस्ट हिंदी में नहीं बोलते कर्म करो फल अपने आप मिलेगा. दैट्स द बॉटम लाइन. आधे से ज्यादा टाइम हमको जब सोचने में ना बिता देते हैं ना डोंट थिंक मच सिंपली एक्ट 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 एंड एक्ट वर्क ऑन योर एनसीईआरटी. आई एम टेलिंग यू दैट कि बायो में यू विल गेट अ गुड स्कोर. ओके नेक्स्ट मूविंग ऑन. सर इफ वी टॉक अबाउट कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस तो किस तरह का प्लेस होता है लाइक
हाँ कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस एक्चुअली क्या बोले ना, दे आर ट्राइंग टू टेल यू द रिवर्स ऑफ दिस कि ज्यादा सन जहां पर रहता है ना वहां पे ये यूजुअली ग्रो नहीं होते हैं. कुछ कुछ ऐसे हैं जो वैसे रेगिस्तान वाले एरिया में ग्रो हो सकते हैं. अब कूल डैम्प और शेडी इन जनरल मींस एनी अदर प्लेस अदर देन द टिपिकल ट्रॉपिकल एरिया जहां पे एक्सेसिव सनलाइट है. ओके नेक्स्ट ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को मैंने यहाँ कंपेयर किया है. ब्रायोफाइटा में ना जो मेन प्लांट बॉडी थी उसको गैमेटोफाइट बोलते थे, बट यहाँ ऐसा नहीं है. टेरिडोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी है उसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोफाइट. अब बेटा देख एमसीक्यू कंटिन्यू हो रहा है और इसका जो भी प्लांट बॉडी है ना स्पोरोफाइट वो डिवाइडेड है. डिफरेंशिएटेड मीन्स डिवाइडेड, सो दैट इज ए डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीफ. ओके बच्चों अब इसके पहले जितने भी प्लांट्स है ना उसमें ऐसे प्रॉपर रूट स्टेम और लीफ अलग अलग नहीं है. थोड़े बहुत राइजोइड्स थे विच वर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बट दे वर नॉट एग्जैक्टली रूट्स. ओके नेक्स्ट माइक्रोफाइल्स एंड मैक्रोफाइल्स. माइक्रो का मतलब क्या होगा स्मॉल. वेरी गुड बेटा. एंड मैक्रो शुड बी लार्ज. अब फाइल्स जो है ना फाइल्स का मीनिंग इज लीफ. कुछ कुछ टेरिडोफाइटा के पास छोटे छोटे लीफ होते हैं और कुछ कुछ टेरिडोफाइटा के पास बड़े बड़े लीफ होते हैं. ओके अब इसमें माइक्रोफाइल्स में द एग्जांपल दैट वी विल फेस इज सेलागिनेला एंड मैक्रोफाइल्स में द एग्जांपल दैट वी हैव टू रिमेंबर इज फर्न्स. अब ये दोनों प्लांट्स के नाम है. नाउ सी अगेन सेलागिनेला तुमने सुना नहीं होगा जस्ट लाइक क्लेमाइडोमोनास चारा एंड ऑल दोस क्योंकि ये सारे प्रिमिटिव प्लांट्स. अभी थोड़ी देर में जब हम लोग एंजियोस्पर्म्स करेंगे ना वो लेटेस्ट प्लांट है जो हम लोग मेजोरिटी देखते हैं आजू बाजू. ओके बट एनसीईआरटी ये पूछेगा कि मैक्रोफाइल्स इज फर्न एंड माइक्रोफाइल्स इज सेलागिनेला. नेक्स्ट दे हैव दिस लीफ लाइक अपेंडेज व्हिच इज कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स. लीफ लाइक अपेंडेजेस व्हिच इज कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स. कुछ कुछ में कैसा होता है ना सारे के सारे लीफ की तरह स्ट्रक्चर आपस में बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है. अब बहुत चिपक चिपक के रहेंगे ना तो उसको कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं. और ऐसे बहुत सारे लीफ लाइक स्पोरोफिल अगर आपस में कॉम्पैक्ट बन गए ना तो उनके झुंड को उनके पूरे ग्रुप को स्ट्रॉबिलाई नाम दिया है. बहुत सारा रहेगा तो स्ट्रॉबिलाई, एक रहेगा तो स्ट्रॉबिलस और इसी को कोन्स भी बोलते हैं. ये तीनों नाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा कि टेरिडोफाइटा में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपस में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं स्ट्रॉबिलाई स्ट्रॉबिलस और कोन्स. नेक्स्ट जिस तरह से हमने फंगस में पढ़ा है कि फंगस में देयर इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ स्पोरांजियम. ओके बहुत सारा रहेगा तो स्पोरांजिया, एक रहेगा तो स्पोरांजियम. अब उसके अंदर डस्ट लाइक पार्टिकल्स बनता है जिसको बोलते हैं स्पोर्स. अब लैंग्वेज सुनो स्पोरांजियम के अंदर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी. यस सर. ओके स्पोरांजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होता है याद रखो. बट ये स्पोर्स जिस सेल से बनता है उसको स्पोर मदर सेल्स बोलते हैं. सो स्पोर मदर सेल्स प्रोड्यूसेस जस्ट लाइक पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड एज स्पोर्स. अ स्पोर्स जब जहां भी जाके उड़ के जाएगा जर्मिनेट होएगा ना. ओके जहां भी ग्रो होगा तो वो इनकॉन्स्पिशियस. इनकॉन्स्पिशियस का मीनिंग होता है स्मॉल. Something that we cannot notice very easily is inconspicuous. So they germinate into a very small photosynthetic thalloid gametophyte. अब ये gametophyte बनाएगा जिसका नाम है prothallus. MCQ देखो क्या बनेगा. Prothallus ultimately किससे बन रहा है spores. दूसरा MCQ P से prothallus P से photosynthetic. प्रोथैलस अपना खाना खुद बना सकता है. लास्ट प्रोथैलस आगे चल के गैमेट्स बनाएगा इसलिए वो एक तरह का गैमेटोफाइट है. नेक्स्ट ये प्रोथैलस भी यूजुअली कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में ग्रो होता है जस्ट लाइक द जनरल पॉइंट. नेक्स्ट ये तीन पॉइंट तो तुमको आते होंगे. एंथ्रीडिया इनका मेल सेक्स ऑर्गन है. पता लास्ट टाइम ब्रायोफाइट्स में भी पढ़ा था. yes. आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन. फीमेल सेक्स ऑर्गन
और मेल के जो गैमेट्स हैं ना उसको क्या बोलेंगे? एंथेरोजॉइट्स. सो एंथेरोजॉइट्स आर नथिंग बट दे आर मेल गैमेट्स. एंड द पॉइंट इज दैट कि वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर मेल गैमेट्स टू कंबाइन विद फीमेल गैमेट. दैट इज फॉर द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन, ये याद रखो. नेक्स्ट, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कंबाइन होंगे तब जाइगोट बनेगा और जाइगोट आगे चल के स्पोरोफाइट को जन्म देगा जो कि डोमिनेंट है. ये पॉइंट ना इधर मेंशन है कि इसका मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट. ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या था? गैमेटोफाइट. स्वाहा हो गया, हो गया. अब कर्टन ओपन कर देना. एग्जैक्टली, कॉमर्स वाला ऐसे चिल्ला रहा है. डिफरेंस पता चला? यस सर, यस. सेम डिफरेंस यू विल हैव इन लाइफस्टाइल एंड वर्क कल्चर आल्सो. बोला तुम लोग एकदम ऑब्जर्व करते हैं छोटा छोटा पॉइंट. यस सर. अच्छा, मेरे को कोई डायबिटीज का पेशेंट लाने की जरूरत नहीं. अरे सर, वो यूरिन वाला काम है, वो बोल रहा हूँ, कुछ भी बोलते हैं सर, वो कनेक्ट करना पड़ता है. ऑलराइट, ओके, फाइन, चलो कंटिन्यू करते हैं. सो देखो, मेन तो ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं और यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट बोलते हैं. सो जाइगोट से ही स्पोरोफाइट बनता है जो कि डोमिनेंट है. अब ये साल की नीट का क्वेश्चन, अगर जो स्पोर्स बन रहे हैं ना वो अगर अलग अलग साइज के हैं तो हेटरोस्पोर्स. डिफरेंट साइज. अब डिफरेंट साइज में देखना कैसा है, हिसा बेटा लैंग्वेज है. हाँ करेक्ट, बट वो वर्ड बहुत सही बोल रही बेटा, वो वर्ड सिर्फ एल्गे के लिए रखती है. ओके, और ये वर्ड है ना सिर्फ टेरिडोफाइटा के लिए रखा है. वो एल्गे में हम लोग ने पढ़ा था ना आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस. सेम साइज के गैमेट रहे तो आइसोगैमस, एक बड़ा एक छोटा रहा तो एनाइसोगैमस, और उसमें भी फीमेल गैमेट अगर बड़ा रहा तो ओगैमस. यहाँ भी स्पोर्स अलग अलग साइज के हैं, छोटे वाले माइक्रोस्पोर्स और बड़े वाले माइक्रोस्पोर्स. ओह बॉय, जो प्राणी जैसा रहना चाहता है रहने दो. वेरी इंपॉर्टेंट, बायो पीपल आर मैनर्ड पीपल. ओके, अब मेजोरिटी होमोस्पोरस होते हैं. मेजोरिटी होमोस्पोरस यानी सेम साइज के स्पोर्स होंगे. सर ये एग्जैक्ट सेम तो होगा नहीं, लाइक अप्रोक्स सेम होगा ना? नहीं नहीं नहीं, इसमें एकदम ही परफेक्ट सेम होता है. थोड़ा भी अगर डिफरेंस हुआ ना तो हेटरोस्पोरस हो जाएगा. ओके, अब सुनो ना, मैं ये बोल रहा हूँ तुमको, ये कैच करो. मेजोरिटी तुम्हें समझ रहे हो छोटे छोटे, बिकॉज यू हैव टू लुक इन बिटवीन द लाइंस. दैट्स अ होल आइडिया टू क्रैक नीट. ओके, अब इसमें है ना हेटरोस्पोरस में एक्चुअली हर साल कैसा होता है मालूम है? इसके एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करते हैं बच्चे. इसमें ना एक साल्विनिया करके एक प्लांट है Salvia. और एक सेलाजिनेला करके प्लांट है. सेलाजिनेला. ओके, ये दोनों में ना स्पोर्स अलग अलग साइज के बनते हैं. अब नीट में ये बार क्या हुआ मालूम है? एग्जाम्पल क्वेश्चन में दे दिया और ये पूछा कि भाई इनमें अलग अलग साइज के स्पोर्स बनते हैं तो एक कंडीशन को क्या बोलते हैं? और जानबूझ के देखो, मैंने तुमको बताया था क्वेश्चन, ऑप्शन में ना कैसा रखा था, एक होमोसोरस, दूसरा हेटरोसोरस, तीसरा होमोस्पोरस और चौथा हेटरोस्पोरस. अब क्या हुआ, सम स्टूडेंट्स आउट ऑफ घाई कहेंगे अरे ये तो इजी, अलग अलग गैमेट्स बनाता है, सो ऑप्शन बी हेटरोसोरस मार्क करके है. बट हेटरोसोरस नहीं, आंसर क्या? हेटरोसोरस. ऑप्शंस में वर्ड देखो ना ऐसा पैदा करते हैं कि आंखों का धोखा हो जाएगा. समझ रहे बच्चों? हाँ. मैं वापस से कह रहा हूँ, एक ही सिंपल सा फंडा है नीट का, बाज की नजर. ओके, एनसीईआरटी की तरफ बाज की नजर रखो. मैं तुमको एक एक पॉइंट या ध्यान से ना तुम्हारे एहसास में दिलवाऊंगा, बट थोड़ा घर पे उसको वैसे ही प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट, जाइगोट है ना आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है जो स्पोरोफाइट के अंदर ही बनता है, और यहीं से कुदरत ने ना सीड बनाने की हैबिट चालू कर दी. ओके, सो दिस इज प्रीकर्सर टू सीड हैबिट. प्रीकर्सर मींस स्टार्ट. तो इसके बाद जो प्लांट्स आने लगे ना तो उनमें फिर सीड्स बनाना चालू कर दिया भगवान ने. ओके,
अब सबसे टफ वाला पार्ट है एग्जांपल्स। टेरिडोफाइटा में चार अलग अलग कैटेगरी है और उसके अंदर अलग अलग एग्जांपल है। टेक्स्ट बुक में देखो, अब टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है, मैंने इसको जानबूझ के थोड़ा रीअरेंज किया। जहां पैराग्राफ खत्म हो रहे ना वहां लास्ट में देखो बेटा, धैर्य की आशा रखने वाली दिवाशा पेज नंबर बता दे बेटा, पेज नंबर 38 चेक करो। मल्लपन दाखवा उसमें है ना, जिम्नोस्पर्म्स के जस्ट ऊपर। अब देखो मैंने जानबूझ के ना पहले टेरोक्सी डाली था, कर ले वेदांगी तू मिला। ओके अब यहाँ देखो और रिलेट कर दे जाओ। इसका ना हम लोग ने शॉर्टकट ऐसे लेके चल रहे हैं कि मान लो हम लोग दोस्त को बोल रहे हैं तेरे को प्लीज बोला ना, मेरा काम करके दे सीधा सीधा। ओह टेक्निक है, हाँ तेरे को प्लीज बोला ना मेरा काम करके दे सीधा सीधा। अब तेरो से टेरोक्सीडा, हाँ प्लीज में पी से सिलोक्सीडा, सिलोक्सीडा एल से लाइकोक्सीडा, लाइकोक्सीडा और एस से तू घोटे छा से स्पिनोक्सीडा। ओके ये यहाँ प्लीज बन गया और तेरो बन गया और सीधा सीधा यानी सब में सीधा सीधा लग रहा है। चलो बच्चों एक बार साथ में बोलते हैं, यस पहला क्या है टेरोक्सीडा, दूसरा सिलोक्सीडा, तीसरा आराम से लोगों पर लगे लोग बायो के साथ साथ जिम्नास्टिक। अच्छा मैं बाय ऐड करके तो पढ़ा पड़ा, मेरे को प्लीज बोला सीधा सीधा बाय ऐड कर लो इतना। सर लास्ट वाला क्या था, स्पिनोक्सीडा सी तक पढ़ने का, यस स्पिनोक्सीडा सिलोक्सीडा, इसमें पी जो है ना मनमोहन सिंह बेटा, हाँ साइलेंट है, साइलेंट है बोलता ही नहीं है। तो यहां से चालू करना सिलोक्सीडा, याद हो जाए तो बोलो। अच्छा फिर प्लीज पी एल एस सो पी से सिलोक्सीडा, कोई भी कहानी आपसे उधर देखा ना मार देगा पहले बता देगा, देखो इतना मारेगा बाबा रामदेव बन जाएगा। ओके सो पी से सिलोक्सीडा, यस एल से लाइकोक्सीडा, एस से स्पिनोक्सीडा, तीन एग्जाम्पल जिसका शॉर्टकट वी विल टेक इट एज पैड। अब पी से टेरिस, पटेरिस बोलूं नहीं सर, सर राहुल सर, राहुल सर है। अच्छा अच्छा सर उनको देखना पड़ेगा, तो बोलो ना भाई है। ए से एडियंटम, ए से एडी है। अच्छा अब पी से चेक करो नेक्स्ट मूवमेंट, अरे हाँ पी तो हो गया ना, डी आएगा ड्रायोप्टेरिस। देखो टेक्स्ट बुक में देखो उल्टा सीधा दिया, उधर बाजू में पैड लिख दो, दैट विल बी द शॉर्टकट। सर ये साइंटिफिक नेम है कि लोकल नेम है, ये लोकल नेम है। ओके इतने अच्छे लोकल नेम सर, अच्छा बड़ा नाम है इसका, टेरिस और टेरो कनेक्ट हो रहा है, यस एडियंटम और ट्रायोप्टेरिस में भी टेरिस आ रहा है, तो ये तो ठीक है, खाली एडियंटम थोड़ा फोकस करना सब। हाँ ओके अच्छा सिलोप्सीडा का तो एग्जांपल का टेंशन नहीं, सिलो सिलो यू गेट इट, यस। और वैसे भी एग्जाम में क्या है जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वर्ड आएगा तो स्ट्राइक हो जाना चाहिए, यस टेंशन नहीं। ओके तो सिलो टू, दैट्स लाइक अ वाइफ सेइंग आज कपड़े मैं नहीं सिलूंगी, सिलो टू, हां वैसे याद रखो। ओके
लाइकोप्सिडा में ना एक एग्जांपल इजी है, हाँ जो तुम लोग वर्ड से पकड़ सकते हो, लाइकोपोडियम। अब एक नया एग्जांपल उसमें सेलाजिनेला। सर ये इधर पढ़ा था, ये नेला। यस नेला, यस तीतकन नेला ने बोला ये नेला। ये डबल एल ना, डबल एल जो भाई साहब जैसा एक और ये होता है मुझे ज्यादा फील होता है, कॉलेरा बीमारी है। हाँ क्लोरेला, क्लोरेला लोपेला लगता नहीं थी मैं। यस ऐसे साउथ इंडियन में ये क्लोरेला ऐसा ही है, क्लोरेला सेलाजिनेला पता नहीं नल्ला नहीं। ओके अब अच्छा एक स्पिन ऑफ सीरा स्पिन किया ताकि मैच को इक्वल करना। टेरिस एडियंटम ड्राइकॉप टेरिस सिलोटम सिलोटम तुम नहीं सिलोटम सिलोटम लाइकोपोडियम सिलाजिनेला इक्विसेटम। एक मिनट, एक हो गया। चलो लुक हियर एवरीबॉडी, पहला तेरे को प्लीज बोला सीधा 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 लाइट आ गया सीधा सीधा। अच्छा अब तेरो से क्या बनेगा? तेरो 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 आराम आराम से सोच के। यस फिर पी से सिलो सीधा। वेरी गुड। एल से लाइकोप्सिडा। एस से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद पी से सिलोक्सिडम, yes. तो उसका एग्जांपल सिलोटम, yes. करेक्ट। हाँ बट बाहर सिलोटम मत बोलना, सिलोटम। हाँ सिलोटम, थोड़ा उधर क्या मुंह टेढ़ा करके फौरन सिलोटम। दोनों सिलोटम तो इजी ये अपना ट्रिक है आपस में घर जैसा। ओके अच्छा फिर उसके बाद एल बनेगा लाइकोप्सिडा, उसमें लाइकोपोडियम याद हो जाएगा। सेलाजिनेला। अच्छा लास्ट स्पिनोक्सिडा में इक्वल सेट करो इक्विसेटम, ये समझे? यस। चलो अब इसका फोटो ले लो। वीडियो बंद किया ना? नहीं तो नहीं सर, पर वीडियो बंद कर दे तो ये बड़ा वीडियो भी आएगा। अब टेरिडो हो गया, टेरिडो का स्वाहा। अब लास्ट वाला करते हैं, जिम लोग बात करेंगे। एनजीओ एनजीओ भाई मैं कैसे सब वर्ड्स ओ वाले ही आते ना मस्त। हाँ यस जैसे कार्डियो, यस कार्डियोलॉजी, या न्यूरोलॉजी। तो जब मैं तुम्हारा हार्ट पढ़ाऊंगा ना तो हम लोग यो कार्डियो लिखेंगे। यस कार्डियो आगे से ज्यादा वर्ड ऐसे ही एंड होते हैं। ओके सो हाँ जैसे नेफ्रो, यस नेफ्रोलॉजी। ओके अच्छा अब ना एंजियोस्पर्म्स के बारे में, एंजियोस्पर्म्स में कैसा, इसमें सबसे बेस्ट बात क्या है मालूम है कि हम लोग ने मॉर्फोलॉजी में फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा है, पढ़ा है ना बेटा? यस सर। अब वहीं से चालू करेंगे, लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फ्लावर। यस सर। डेफिनेशन फ्लावर इज हाईली अगर फ्लावर पुष्प ये सब वर्ड बोला ना तो मैं मार देगा, तू बायो वाला है। Highly modified shoot for sexual reproduction. Very important. Yes. ये याद रखो। किसी को इमोजी में फ्लावर भी भेजोगे ना नहीं, highly modified shoot. वो कंफ्यूज है सर, उधर ही ऑफलाइन चला जाएगा। मैंने क्या भेजा?
अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये डेफिनेशन क्यों बैठा है सर? शूट क्यों बोला, रूट क्यों नहीं बोला? क्योंकि ऊपर है ना सर, वो जमीन के ऊपर। करेक्ट। अच्छा और ये क्यों बोल रहे हैं मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्योंकि सर उसी के वजह से फ्रूट बनता है ना। हाँ, उसी के अंदर एंड्रोशियम है, गायनोशियम है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फ्लावर का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें बच्चों, सो फ्लावर में कैसा है ना, ओके आजकल हम लोग जितने भी प्लांट देखते हैं मेजोरिटी एंजियोस्पर्म से, जो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। एंजियोस्पर्म में ना दो एग्जाम्पल कॉमनली पूछते हैं, एक तो है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ग्रोज मोर देन सांबर मीटर, सांबर है 100 यार। और दूसरा में एक प्लांट है जिसका नाम है भेड़िया, वुल्फिया। वुल्फिया, वुल्फिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, सबसे छोटा। नाउ दिस इज योर होमवर्क, यू विल फाइंड आउट हाउ मच इज द हाइट ऑफ वुल्फिया। लिख लो हाइट ऑफ वुल्फिया। देखो अभी गूगल चलाएगा नहीं फोड़ देगा तुम्हारा गूगल, थोड़ा बड़ा तेज हो रहा है अभी, जो सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। शर्वरी रेडी थी सर आंसर का, ये होमवर्क है ना, ओके तो ग्रुप में बाद में पोस्ट करना। यस सर। नेक्स्ट, फ्लावर के डंडी को क्या बोलेंगे? पेडिसेल। ए अभी मैं फास्ट पढ़ाएगा, ये हो चुका है। यस, इट इज आल्सो कॉल्ड अ स्टॉक ऑफ द फ्लावर। स्टॉक ऑफ। अब नीचे एक बड़ा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ब्रैक्ट बोलते हैं। ब्रैक्ट। ऊपर छोटा ब्रैक्टियोल। ब्रैक्टियोल राइस, आवाज याद है, बहुत बादाम बचा लिया तूने। नेक्स्ट, उसके बाद फूला हुआ थैलेमस, आल्सो कॉल्ड एज रिसेप्टैकल, आल्सो कॉल्ड एज रिसेप्टैकल। अब उसके बाद ऊपर ग्रीन कलर का लीफ लाइक कैलेक्स। यस, कलर कलर विच कलर? ग्रीन कलर, सॉरी तो ब्लू कलर है। हाँ, मैचिंग करने दे, कर लेंगे सर। हाँ, उसके बाद कलरफुल कोरोला। हाँ, कोरोला। कोरोला का दूसरा नाम पेटल्स। पेटल्स, वेरी नाइस, इतना याद है ना बेटा? यस सर। ओके, फिर सेंटर में चिकन लेग पीस ना बेटा? नहीं सर, गाइनोशियम। Surrounded by androecium. 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 So this is androecium. Gynoecium. You have any problem? No sir, we don't. No problem. Okay. अब इसमें सर देखो, मेरे को बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। ये सब फ्लावर के जो टुकड़े होते हैं ना, इसको बोलते हैं फ्लोरल रूल। Hey, why are you laughing? Nothing sir. That's not funny. Shut up. Which is also called flower parts which are arranged in circular manner. Circular. Circular है क्या? Circular. Circular. Yes. मेरे को cooler बोला तो तू fridge. हम महंगे हैं। Floral balls दो तरह का होने का बेटा। हाँ याद है सबको, very nice. Accessory and essential. Essential. आप थोड़ा हिंदी में बात करते, सिंपल लैंग्वेज में। ये चलाना आता ना, ये 10 रुपया। मेन पार्ट कौन सा रहेगा? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ओके, अब मैं सवाल पूछूंगा सिमोन से। सिमोन करिए जा, एंड्रोशियम और गाइनोशियम को मैं असेंशियल क्यों बोल रहा हूँ? हाँ, वेरी नाइस। हम असेंशियल इसलिए बोल रहे क्योंकि सिमोन ये लेक्चर में नहीं। ये मेन है, वो मेन नहीं है। वो क्यों मेन नहीं है? इनडायरेक्ट रोल मतलब वो क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट करके रखते, होल्ड करके रखते हैं एक तरह से। ओके, सो कैलिक्स क्या कर रहा है? कवर कर रहा है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और कोरोला क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। किसको? अवस्थी सर को, इंसेक्ट्स को। सो कोरोला
पॉलिनेशन का काम करवाते थे, पर ये दोनों गैमेट्स बना रहे क्या? नो, गैमेट्स कौन बना रहा है? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले शुरू करते हैं एंड्रोशियम से। एंड्रोशियम यस, आल्सो कॉल्ड एज टोटल तीन टुकड़ा होता है। पहला मैं बीच वाला बनाया, अभी चुप रहा कोई बोलेगा नहीं। स्नेहा कलर है, ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? अरे पूरा एंड्रोशियम है, ये टुकड़ा ही है ऊपर वाला। हाँ धैर्य की आशा रखने वाली, धैर्य बनाए रखो। एंथर, वेरी नाइस। स्नेहा बैठ, घर जाके बादाम खाना। तो ऊपर वाला एंथर, नीचे वाला फिलामेंट। फिलामेंट, अब इसमें से पोलन ग्रेन कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? एंथर। एंथर को मैं यूनिलोब बोलू, ट्राइलोब, बाइलोब, क्या बोलूं? बाइलोब। बाइलोब क्यों बोल रहे हो? दो टुकड़े हैं, दो लोग। ये देखो, ये ऐसा मैथ्स में एक होता है और ये मैथ्स में दो होता है। इतना आना चाहिए बेटा। ओके, सो दिस इज बाइलोब। अब इस एंथर के अंदर, लेट्स से एंथर ने पोलन ग्रेन बनाया, ये पोलन ग्रेन हो गया। अब पोलन ग्रेन को हम लोग जूम किया, क्या किया? जूम। फिर उसके बाद और जूम किया, सॉरी जूम होता है, जूम स्पेलिंग में आ रहा है, जूम जूम। अब उसको जूम किया, तब जाके पोलन ग्रेन बला हो गया। अब पोलन ग्रेन को अगर हम लोग जूम करके देखेगा ना, ऐसा होता है? अरे ऐसा ही दिखता है, मस्त धार वाला। किसका? ये बाहर वाला कांटे कांटे वाला लेयर, इसको बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? अंदर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं इंटाइन। ये समझ रहे हो? ओके, सो बाहर वाला एक्साइन, अंदर वाला इंटाइन, इसमें कोई तकलीफ? नो सर। अच्छा, अब मेरा बेटा ये जो बीच बीच में खड्डा है ना, इसको पोलन पोर बोलते हैं। पोलन पोर, कोई कोई लोग इसको जम पोर भी बोलते हैं। पोर मतलब खड्डा, यस, ओपनिंग, ठीक है। अब उसके बाद प्रार्थना, ध्यान दे, ध्यान दे, इधर उधर ना देख, मैं देखा तेरे को, इधर ध्यान दे। अब इसमें से जो ट्यूब निकल रहा है तो इधर देखो, नहीं कर, इसको पोलन ट्यूब बोलते हैं। यस सर। ओके, अब पोलन ग्रेन का स्टाइल कैसा होता है ना, पोलन ग्रेन के अंदर शुरुआत में ना दो सेल होते हैं, दोनों सेल का साइज इक्वल और अनइक्वल? अनइक्वल, करेक्ट। इधर ना मेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, इसको ना बड़े वाले को ट्यूब सेल या तो वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। बेटा ध्यान से सुना, कुछ कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी में नहीं है, बट 11th के बाद 12th में हम लोग एक चैप्टर में जाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसमें सब रिपीट होगा वापस। ओके, और जो छोटा वाला सेल है ना, छोटे वाले सेल को हम लोग जेनरेटिव सेल बोलते हैं। इसमें ना अपना यो-यो ट्रिक के हिसाब से हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि टीवी हमेशा बड़ा होना चाहिए। इससे ना दोनों इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाता है, टीवी साथ में रखेगा ना तो पता चलेगा ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल सेम है। और मेरा बेटा जब मैं बोलूं बड़ा होना चाहिए तो तुमको ये भी याद रहेगा कि बड़ा वाला सेल को ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। अच्छा, अब जब ये पोलन ग्रेन गाइनेशियम के ऊपर बैठता है ना, तब ट्यूब सेल का जो न्यूक्लियस है सबसे पहले यहां टिप में आता है। सो यहां मैं लिखता हूं ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस पोलन ट्यूब को ना डायरेक्शन देता है कि किस तरफ बढ़ना है, और फिर जेनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो डिवाइड होके दो मेल गैमेट बनाता है। अब यहां से मेन पॉइंट चालू हो रहा है बेटा, यानी इसके अंदर दो मेल गैमेट है, तो जाहिर सी बात है फीमेल के अंदर भी दो फीमेल गैमेट होंगे। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता के रखता हूं, आने वाले टाइम में ये सड़ के मर जाएगा,
जैसे ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचेगा ना, ट्यूब न्यूक्लियस का काम है खाली पहुंचा के देने का। उसके बाद ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है बच्चों, यानी वो मर जाता है। अब जिस तरह से हमने मेल वाला पार्ट किया ना, वैसे ही बच्चों अभी हम लोग फीमेल वाला पार्ट थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एज गायनेशियम। माय डियर चाइल्ड यू शुड नो इट इज आल्सो कॉल्ड एज कार्पल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज पिस्टल। अब ये गायनेशियम और कार्पल और पिस्टल, इसके तीन टुकड़े। सबसे पहले मां, स्टिग्मा, करेक्ट, चिपको मां है ये, यस, स्टिकी, राइट, यस, स्टिच वाला स्टाइल, और एकदम नीचे ओवरी। अच्छा मेरा बेटा सुनना, ओवरी के अंदर भी ओव्यूल। हाँ वेरी गुड। अब ये ओव्यूल को हम लोग जूम करेगा, यस, ओ मैग्निफाइंग ग्लास। अब ये ओव्यूल बड़ा हो गया बेटा, बड़ा हो गया, यस सर। एंड द मंत्र इज ओम मैग्निफाई नमः। ओके तो मैग्निफाई करिए। ओव्यूल के अंदर अगर झांक के देखेगा ना, तो ओव्यूल में स्टार्टिंग में है ना, इधर एक ही न्यूक्लियस होता है। कुछ समय के बाद ये डिवाइड होता है दो न्यूक्लियस, कुछ समय के बाद दो का चार, कुछ समय के बाद चार का छह, ओके, ये सेल डिवीजन होता है ना, डबल डबल डबल। ओके अब आठ के बाद 16 नहीं होता है, चुप रहो, कुछ भी गिनती चालू करती है। चार ऊपर जाएगा और चार नीचे जाएगा, शिफ्टिंग होता है बेटा, एमआरएस मारी मत पालो। अब इसमें से एक वापस सेंटर में आता है, ऊपर से एक सेंटर में आएगा और आजू बाजू में अपना सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म जमा कर लेता है। और बाकी तीन ऊपर और नीचे ही रह जाएंगे बेटा, ये तीन यहाँ और ये तीन टिकली यहाँ, सॉरी टिकली छोटा होता है, टकला है। ओके अब ये तीन जो सेल्स ऊपर बने हैं ना, इनका नाम है एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स। ओके नीचे की तरफ एक सेल थोड़ा है ना हैवी होता है, छोटा पड़ा, दैट्स मेन अंकल लिए छोटा। That is called as egg cell, which is also called as ovum. Egg cell is also called as ovum. इसके बाजू में ये जो assistant है ना, इसको बोलते हैं synergids. क्या बोलते हैं? Synergids. और बीच में ये है ना, दो polar nucleus की वजह से बने हैं, जैसे north pole और south pole. हाँ. इसलिए मेरा बेटा तू याद रखना, इसको polar nucleus बोलते हैं. कोई कोई लोग इसको secondary nucleus भी बोलता है. और कोई कोई लोग इसको डरी ना बेटा डरा नहीं, इसको डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। डेफिनेटिव तीन नाम हो गया, हाँ देश आजाद है ना, लोग बहुत कुछ बोलते बेटा। हाँ ओके, पहला नाम क्या? पोलर न्यूक्लियर। दूसरा? सेकेंडरी न्यूक्लियर। तीसरा? डेफिनेटिव न्यूक्लियर। बात बताओ बेटा, मेल गैमेट्स कितने? दो। दो। अच्छा फीमेल गैमेट भी दो ही इम्पोर्टेंट है, ये दो, बाकी सेल्स इम्पोर्टेंट नहीं है। अब भाई मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक लेकर आना है, सो इस एक्ट को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, भाई लाफिंग मना कर दीजिए सर, एंटर टू स्टिग्मा। एवरी बात समझ नहीं बेटा? यस सर। एंटर से उड़ के पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा पे आके बैठेगा, फिर वो पोलन ट्यूब बना के ओव्यूल के पास पहुंचेगा, यस, ठीक है। और इसको लेकर जाने के लिए तीन एजेंट्स है पॉलिनेशन के, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन विंड, वाटर, एयर, विंड और एयर सेम होता है, एनिमल्स, हाँ विंड और एयर तो सही है, वही तो सर, विंड वाटर एंड एनिमल, एनिमल्स में सबसे कॉमन वाला हनी, हनी, हनी बी, हनी सर, उसका कुछ ज्यादा मच्छर लग रहा है। अरे तो यही तो मेन है ना, वन पप्पी इट गिव्स पप्पा इट बिकम्स, सो दीज आर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। फिर लास्ट में एक्ट होगा, सबसे मेन एक्ट, व्हिच इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, लाइजेशन, एंड दिस इज नॉट अ कॉफी, इट्स टी, दैट्स टी,
नॉट कॉफी इट्स टी फॉर कॉफी लाइक दिस फॉर माय कॉफी पीता है व्हाटएवर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन सिंपली मींस कॉम्बिनेशन ऑफ मेल गैमेट फीमेल गैमेट फर्स्ट फीमेल गैमेट फर्स्ट एंड सेकंड फीमेल गैमेट दोनों का नाम लिखना पड़ेगा फर्स्ट वाली कौन है नहीं एक्सेल 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 सब आउटी पूछोगे फर्स्ट वाली एक्सेल और जो कॉल है ओवम बराबर बराबर तो हो गया मेरा हाथ का एकदम भी कटा नहीं उसे और भाइयों में तुम लोग का जीन का प्रभाव है एक्सेल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओवम दिस इज कॉल्ड एज सामूहिक विवाह हां वही मैं बोल रही हूं राइट दो दूल्हा दो दूल्हा अच्छा अब कैसे है ना ये जब दोनों कंबाइन होगा ना अब पहला कॉम्बिनेशन होगा ना इसका बच्चों पैदा होगा उसका नाम जायगोट जायगोट हां सर इतना जल्दी बच्चों आपने का टाइम नहीं है ओके हां फर्स्ट कॉम्बिनेशन को जायगोट और एंडोस्पर्म कॉम्बिनेशन में एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म आता है बट ना एनसीईआरटी थोड़ा वो रहेगा बच रहा है सुनो अच्छा पहले ना पीईएन बनता है पीईएन का फुल फॉर्म है रबर प्राइमरी ओ प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस ये देखो तुम्हारा पेन बहुत सुंदर पेन है पहले तो ये प्लांट्स व्हेन टू मेल गैमेट्स कंबाइन विद टू फीमेल गैमेट्स फर्स्ट कॉम्बिनेशन लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ व्हाट जायगोट करेक्ट द गोट बनाना चाहिए मैं गोट की ड्राइंग खाती हूँ सेकेंड मेल गैमेट कंबाइन विद सेकेंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म पेन पेन का फुल फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इतना याद रखो अच्छा यस सर ठीक है अब जायगोट आगे चल के बनाएगा एम्ब्रियो 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 इज नथिंग बट इट इज बच्चू 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 एंड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इज गोइंग टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन सर गाय बोल तो एचओ का सो इट इज सर लाइट है सर लाइट सर बाजू में देखिए वो लाइट भी चालू है सर ये लाइट डिंका जी का हाँ सर सुनो ना बच्चों जो पैदा होगा ना बच्चे को नरिशमेंट देने का काम प्राइमरी एंडोस्पर्मिक अब इतना बेसिक लेवल है इसमें ना एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन ऐसा बैठता बेटा ये जो मेल गैमेट है ना इसको हम लोग एन लिखते हैं सुनो दोनों मेल गैमेट को एन लिखते हैं
फीमेल गैमेट को भी एन लिखेंगे पहले वाले को, बट दूसरे वाले को अब एन का मीनिंग हम लोग सेल डिविजन चैप्टर में पढ़ेंगे। एन का मतलब होता है हैप्लॉइड, और टू एन का मतलब डिप्लॉइड। करेक्ट, डिप्लॉइड। अब हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हम लोग बोलेंगे हैप्लॉइड, एंड डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को, डिप्लॉइड में डबल याद रखो, यस, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हम लोग बोलेंगे डिप्लॉइड। तो ऐसे ना एक और फैंसी वर्ड टपकने वाला है, ट्रिप्लॉइड। इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? ट्रिपल सेट, तीन सेट ऑफ क्रोमोसोम। हाँ, करेक्ट। अब सुन, इधर मैंने हैप्लॉइड हैप्लॉइड क्यों लिखा मालूम है? क्योंकि देख, ये सिंगल न्यूक्लियस है, ये सिंगल न्यूक्लियस है, यानी मेरा बेटा सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये भी अपने आप में सिंगल न्यूक्लियस है, ये बीच वाला। बट इसको देखो ना, डिप्लॉइड है, दो न्यूक्लियस है ना। हाँ, तो यहाँ बेटा इसलिए मैं मेंशन करूंगा कि ये पूरा गेम घुमा देता है, तो यहाँ से एमसीक्यू बदलता है बेटा। एग्जाम में ना ये सब पूछते हैं कि एम्ब्रियो हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि लोग बने कहां से? एन और एन के कॉम्बिनेशन से। हाँ, बट एग्जाम में ये पूछेंगे ना पीईएन क्या है, या फिर एंडोस्पर्म जो बनता है ना वो क्या है। हाँ, सो डिप्लॉइड होगा। मुझे एक बात बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो, याद रखना पोलर न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लियस होता है। ओके सर, एंडोस इधर सर, एंडोस्पर्म और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस एक ही होता होगा, इतना फैंसी नेम खाली कैसे मालूम है? स्टार्टिंग के स्टेज में उसको नाम दिया है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, फिर जब वो डिवाइड हो के ग्रुप ऑफ सेल बना लेता है ना, तब उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। ऐसे तो सेम है, बट फाइन डिफरेंस अगर चाहिए ना, इनिशियल स्टेज और लेटर स्टेज। ओके ओके, यस, चलो ठीक है। अब इसका फोटो ले लो सब लोग। चलो, मेजर सेक्शन का हो गया स्वाहा।